हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर मोदी 2024 का इलेक्शन हारता है तो फिर भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ऐसा इमरान खान ने बोला है। हालांकि इमरान खान इससे पहले खुद इलेक्शन में जाएंगे और ये पक्का नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएँ। अब फिर से अगर आर्मी मेहरबान रही तो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं बिना किसी देरी के। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करें। कश्मीर का मामला सेंटर पॉइंट, राइट लेफ्ट देखे तो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हमारा इंडियन पाकिस्तान कॉन्टेंट साथ जुड़ा है, हमारी फिल्म्स का प्रमोट होना, वहां का कॉन्टेंट पाकिस्तान आना, फिर उसके अलावा हम दीगर भी मामला देखें, ट्रेड भी हमारी है। अंदाजे दुरुस्त हैं प्राइम मिनिस्टर के आने वाली नई क्यादत से मुतालिक? बिल्कुल गैर मुनासिब है, ख्वाहिश मैं नहीं मानता। वहां पे हिंदुइज्म जिस जगह पे पहुंच गया है वहां से हिंदुइज्म को वापस जाना बहुत मुश्किल है। देखें, 303 सीट्स हैं सकत बीजेपी के पास और बीजेपी 161 से 303 पे पिछले 5 इलेक्शन में पहुंची और हर आने वाले दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में लोकसभा में बड़ी और उसके तमाम इकदाम खा वो अंदरूनी तौर पे हैं मुसलमानों के खिलाफ या अकलीतों के खिलाफ, वो बड़े वाजे तौर पे दुनिया ने देखे और दुनिया ने कुछ भी नहीं किया। दुनिया ने इसी प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया से मुराद अमेरिका होती है आप लोगों की, दानिश्वरों की, अमेरिका ने इस आदमी को गलत आदमी करार दिया और इसका दाखिला भी बंद रखा, लेकिन फिर उसी गलत आदमी को कबूल भी किया और ट्रंप को लेके कैसे वो स्टेडियम में फिरा जैसे ट्रंप उसका दोस्त होता है और भाई होता है। तो उस वक्त आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि आप कहाँ खड़े हैं। और 2024 में होने वाले इलेक्शन के बारे में अगर इमरान, जिसका खुद टेन्योर 2023 में खत्म हो रहा है, ये तवक्को करते हैं कि नेक्स्ट वहां पर जो आएगी वो बहुत अच्छी होगी, मैं तो हैरान हूँ इस सारी सोच और सारी फिक्र पे कि 370 के बाद हमारी तरफ से खामोशी और बिल्कुल कोई जवाब न देना और दुनिया में किसी जगह पर भी जाके इसको फाइट न करना के बाद ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इनसे को बहुत डिफरेंट तरीके पे हैंडल करेगी। आई डोंट एग्री विद इट, एब्सोल्युटली ये तो बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। 23 में तुम्हारा खत्म हो जाएगा इकतदार, वो अप्रैल में उनके इलेक्शन होंगे 2024 में, क्या बात कर रहे हैं आप। सही अनिका, इफ्तखार साहब ने बड़ा जाविया खींचा इस हुकूमत के इख्तदार का खात्मा 2023, आगे इंतखाबात होंगे 2024 में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहती है, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उस वक्त दोबारा मुंतखब होते हैं नहीं होते हैं, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कबल इस वक्त ये इंदिया दिया है, ये अंदाजा दुरुस्त है उनका? जरिया मेरी नजर में ये अंदाजा शायद उतना ही दुरुस्त है जितना इससे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बड़े सॉलिड डिसीजन लेने वाले शख्सियत है या एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, राइट विंग की सही लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उनके होते हुए कश्मीर का कोई इशू रिजॉल्व हो सकेगा। मेरी नजर में ये अंदाजा भी उसी किस्म का है क्योंकि आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालें अगर भारत के किरदार के ऊपर, तो पिछले 50-60 साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने में इन्वेस्ट किए, इससे कतअ नजर कि कौन सदर रहा और कौन प्राइम मिनिस्टर रहा भारत का। ये बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डाइमफिल के नाम से, इसके अंदर डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है वहां भी डिप्लोमेटिक मनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग्स भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरली बारहा एलओसी के ऊपर हमें एंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं,
फिर आ जाती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़े ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें आईसीजे में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम मलजूम हो गया दुनिया में। बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत का। दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए यूएसए एंड चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें, अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा। मुजम्मल साहब, यहाँ पर अनिका ने एक तजवीज दी कि हमारी स्ट्रेटेजी मामलात को काउंटर करने की होनी चाहिए नियर फ्यूचर इन फ्यूचर, लेकिन दो साल इकतदार की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे? हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है? बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी एक इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है। और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे, तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी एक इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है वहाँ रेफरेंडम करा देगा या दे देगा? कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया? तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफबरदारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया, ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्धू को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक था उनका, तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नजर आती है और वो कंफ्यूजन नजर आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफरत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत खत्म करने लग कर सकते हैं, ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट उनको नजर नहीं आती और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने एलओसी। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, यहाँ पर वीडियो का होता है दी एंड, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तानी मीडिया क्या चाह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया एक प्रकार से ये भी बोलता है कि अगर 2024 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट जाती भी है तो कांग्रेस का भी यही रुख होगा पाकिस्तान को लेकर। मतलब पाकिस्तानी अपने आप की गलतियां कभी नहीं देखेंगे, वो यही सोचेंगे कि भारत में क्या होगा, भारत में ये होगा, भारत में वो होगा, तब हमारे साथ ये मुद्दा हल हो जाएगा। पाकिस्तान अभी भी सोचते हैं भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो शायद कश्मीर का मुद्दा हल हो जाए। भारत में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, कश्मीर को लेकर उसका जो तरीका है वो सेम रहेगा जैसा 70 सालों से चला आ रहा है। कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला, ये पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
और पाकिस्तान ने ये भी बोला है थोड़ा बहुत हिंदुज़म ये सब फालतू की बकवास जो डेफिनेटली वो करते हैं और करते ही रहेंगे, उनके पास और कुछ है नहीं, यही उन्हें सिखाया गया है तो वही बात करेंगे। तो वो बातें भी की हैं फालतू की जो आपने सुनी। और अनिका निसार ने जो बताया डिप्लोमेट को लेकर, इकनॉमी को लेकर, आपने सुना इनकी बातों को कि भारत ने कितना काम किया है, कितना आगे बढ़ चुका है अपनी इकनॉमी को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर, हर देश में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कुछ फैलाया है भारत ने उसे लेकर, ऐसा अनिका निसार ने कहा। तो दोस्तों वीडियो को देखकर आपके क्या मन में आता?